यार यहाँ जोर शोर से चल रही हैं। नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, वार्ड स्तर के नेता, सब लोग निकल पड़े हैं प्रचार के लिए। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है यूआईटी की पूर्व चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी जी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, अब तो हम इस जंग के मैदान में आ चुके हैं जी। बहुत कम दिन बचे हैं और अभी पूरी जनता का साथ हमारे साथ है। जगह जगह हमने कार्यालय के उद्घाटन किए और हमने जितने कार्यालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में गए हैं वहाँ इतना लोगों का स्नेह मिला है। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनका जोश तो इतना है कि वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मोदी जी का साथ देना है और मोदी जी को एक बार फिर से ये नगर परिषद जो चुनाव है ये नींव की कड़ी है तो इसलिए मोदी जी को फिर से लाना है और जोश लोगों में बहुत है। निकाय चुनावों को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जबकि विधानसभा चुनावों में पार्टी अपना अस्तित्व यहाँ पर खो चुकी है? देखिए, ऐसा है कि जो नगर परिषद का काम है, जो बाड़मेर नगर परिषद का काम है, वो ये पार्षद कराते हैं और बोर्ड करवाते हैं और जो राजस्थान सरकार के फैसले हैं वो विधानसभा के, हर स्तर के काम अलग अलग होते ही हैं। तो इस वक्त जो बाड़मेर नगर परिषद बोर्ड जो 10 साल कांग्रेस के पास रहा और जिस तरीके से काम किया है, पूरे बाड़मेर की जनता परेशान है, त्रस्त है और इस बार उन्होंने सोच लिया है कि अगर हमारे शहर का विकास कराना है तो भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। जन भावनाओं को देखते हुए आप कितना मानते हैं, कितनी सीटें हैं बाड़मेर नगर परिषद में? देखिए, हमारा एम है 41 के पार। हम 41 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, ये हमारा एम बनाया हुआ है, हमारा उद्देश्य यही है, वो ला कर दिखाएंगे। ये थी यूआईटी चेयरपर्सन, पूर्व चेयरपर्सन प्रियंका चौधरी, जिनका साफ तौर से कहना था कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नगर परिषद में बोर्ड बनने जा रहे हैं। कालू माली के साथ तरुण मुखी, यूट्यूब के लिए लाइव।